आईफोन आज के टाइम पे एक ब्रांड बन चुका है जिसके प्रोडक्ट की पूरी दुनिया दीवानी है। एक साधारण सा कैमरा बनाने वाली कंपनी कैसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया, आज के इस वीडियो में फुल नॉलेज मिलने वाली है। और वीडियो के एंड में एक फैक्ट बोनस है कि आप कम प्राइस में भी आईफोन कहां से खरीद सकते हो। सो वीडियो के एंड तक बने रहना। एप्पल कंपनी की स्थापना 1 अप्रैल 1976 में फूल्स डे के दिन हुई थी। एप्पल का सबसे पहला प्रोडक्ट एक कलर्ड कैमरा था। उसके बाद एप्पल ने धीरे धीरे स्मार्टफोन की दुनिया में कदम रखा। उस टाइम पर मार्केट में नोकिया और सैमसंग फोन का दबदबा हुआ करता था। स्टार्टिंग से ही एप्पल अपने प्रोडक्ट की बिल्ड क्वालिटी और ब्रांडिंग पर ज्यादा फोकस करता था। 1976 में एप्पल को एप्पल फर्स्ट कंप्यूटर के ऑर्डर मिले थे। उस समय कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, इसीलिए ऑर्डर को पूरा करने के लिए स्टीव जॉब्स ने अपनी वोल्वेगस को बेच दिया था। 2002 तक एप्पल ने अपने प्रोडक्ट के दम पर मार्केट में खुद की पहचान बना ली थी। धीरे धीरे एप्पल लाइफ स्टेटस का हिस्सा बनने लगा। एप्पल कंपनी की बढ़ती लोकप्रियता के कारण स्टीव जॉब्स केवल 25 साल में ही करोड़पति बन गए थे। तो आइए आप बात कर लेते हैं कुछ अननोन एंड रैंडम फैक्ट्स की जो एप्पल कंपनी से रिलेट करते हैं। फैक्ट नंबर 10, आईफोन 9:41 पर लॉन्च हुआ था, इसीलिए आईफोन जब भी एडवर्टाइजमेंट करता है तब उसके फोन में 9:41 का ही टाइम दिखाया जाता है, जो कि फर्स्ट आईफोन का लॉन्चिंग टाइम था। फैक्ट नंबर 9, शायद से यह फैक्ट आपको थोड़ा सा वियर्ड लग सकता है लेकिन यह सच है। अगर आप एप्पल के कंप्यूटर के आसपास स्मोकिंग करते हो तो एप्पल आपके कंप्यूटर की वारंटी को खत्म कर देता है। क्या आपको यह फैक्ट पहले से पता था? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फैक्ट नंबर 8, एप्पल का जो ऐप स्टोर है उसके बारे में एक इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि ऐप स्टोर पर 60% ऐप ऐसे हैं जो कभी भी डाउनलोड ही नहीं किए गए। फैक्ट नंबर 7, आईफोन इतना महंगा क्यों होता है? इसका इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि हर एक आईफोन में 0.034 ग्राम गोल्ड और 0.34 ग्राम सिल्वर का यूज किया जाता है। यह क्वांटिटी में इतना कम होता है कि इसे फोन से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 6, एप्पल और सैमसंग एक दूसरे को इतना बड़ा कंपटीटर मानते हैं यह तो आप जानते ही होंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के कंपटीटर होने के बावजूद भी एप्पल की रेटिना डिस्प्ले सैमसंग ही बनाता है। फैक्ट नंबर 5, 2012 में एप्पल ने एक साल में 40 मिलियन आईफोन बेच दिए थे, यानी कि 110,000 आईफोन पर डे। एप्पल के आईफोन दुनिया भर के 89 देशों में बेचे जाते हैं। इसी के चलते 2014 में एप्पल ने बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट किया था। यह प्रॉफिट इतना ज्यादा था कि गूगल, अमेज़न, फेसबुक तीनों का प्रॉफिट जोड़ भी दिया जाता तब भी कम पड़ता। फैक्ट नंबर 4, एप्पल कंपनी में लगभग 120,000 लोग काम करते हैं, जिसमें से हर तीसरा आदमी इंडियन है। मतलब कि 120,000 लोगों में से 40,000 इंडियंस केवल एप्पल कंपनी में काम करते हैं। फैक्ट नंबर 3, एप्पल कंपनी ने अपने पहले कंप्यूटर एप्पल 1 को $666.56 में बेचा था, जो प्रेजेंट टाइम के इंडियन रुपीज में करीब 53,000 रुपए होता है। फैक्ट नंबर 2, एप्पल का मैकबुक अपनी बिल्ड क्वालिटी और परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन मैकबुक की बैटरी इतनी मजबूत होती है कि वह एक बुलेट को भी रोक सकती है। दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। बोनस फैक्ट पर जाने से पहले, अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना मत भूलना, अदरवाइज नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगे मेरी वीडियोस के। फैक्ट नंबर 1, जनरली एप्पल के फोन्स महंगे होते हैं, लेकिन बात करें एप्पल के फोन सबसे महंगे और सबसे सस्ते कहाँ मिलते हैं तो आपको ब्राजील में आईफोन सबसे महंगे मिलेंगे। और वहीं बात करें सबसे सस्ते आईफोन की तो US, हांगकांग, जापान और कनाडा जैसे देशों में अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में यहाँ सबसे सस्ते आईफोन मिल जाते हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ऐसा ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारी प्रीवियस वीडियो को भी देख सकते हो। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।